सांसद प्रतिनिधि के घर तलाशी लेना पड़ा महंगा। तो ऐसा ही हुए लाइन अटैच तो एसपी का हुआ तबादला। कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद एक्शन में आई सरकार। सत्ता पक्ष के कार्यकर्ताओं के घर में पुलिस को घुसना महंगा पड़ गया। दिन भर चली गहमा गहमी के बाद शाम एसपी सुनील कुमार पांडे ने दो कर्मियों को एसआई जाया भारद्वाज और चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय को लाइन अटैच कर दिया। कुछ ही देर में सरकार के आदेश पर एसपी सुनील कुमार का तबादला भोपाल कर दिया गया। जिले के पिपलिया मंडी चौकी क्षेत्र में पुलिस को बड़ी मात्रा में सट्टा चलाने की सूचना मिली थी। चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय और महिला एसआई जया भारद्वाज ने टीम के साथ पिपलिया मंडी के रेलवे फाटक इलाके में राजू भाम्बी के घर में दबिश दी। यहां से पता चला कि सट्टे का उतारा सांसद प्रतिनिधि दिलीप गोयल के घर होता है। पुलिस ने सट्टे का बड़ा नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए बिना देर किए सांसद प्रतिनिधि के घर में तलाशी ली। यहां से मिला तो कुछ नहीं, उल्टी आफत गले पड़ गई। घर में तलाशी लेने से आक्रोशित सांसद प्रतिनिधि और बीजेपी नेता दिलीप गोयल अपने समर्थकों के साथ चौकी पर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने बिना सर्च वारंट के घर में घुसकर तलाशी शुरू कर दी। इससे बीजेपी नेता के मान सम्मान पर असर हुआ है। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा करते हुए चौकी के सामने सड़क पर बैठ गए। राजू भाम्बी के घर पे सट्टे की सूचना पे टीम ने दबिश दी थी, तो उसमें जो रिकॉर्ड मिला उसमें दिलीप जी गोयल के यहाँ की सूचना मिली थी कि वो उतारा यहाँ करता, तो इसकी तस्दीक की गई और वहाँ सर्चिंग की गई थी। सर्चिंग के दौरान कुछ नहीं मिला, उनको ऐसा लगा कि वो उनकी प्रतिष्ठा ये हो रही, तो वो थाने चौकी पे आ गए। करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के विधायक वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को फोन कर जानकारी दी। मंत्री जगदीश देवड़ा ने कार्यकर्ताओं को शाम तक अच्छा रिजल्ट देने की बात कहते हुए कार्यकर्ताओं को शांत रहने को कहा। वित्त मंत्री के आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने हंगामा शांत कर दिया। इसके बाद देर शाम पिपलिया मंडी चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्रीय और महिला एसआई जया भारद्वाज को एसपी के आदेश पर लाइन किया गया। वहीं इसके कुछ ही देर में सरकार के आदेश पर एसपी सुनील कुमार पांडे का तबादला भी भोपाल सहायक पुलिस महानिरीक्षक के पद पर कर दिया गया। उधर श्योपुर एसपी अनुराग सुजानिया को मंदसौर भेजा गया है। वे 2014 बैच के पुलिस अधिकारी हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम 8 मध्य प्रदेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक फॉलो और शेयर जरूर करें। हमें हमेशा इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।